हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल में स्वागत है। अगर आप जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट हैं, तब आप लोगों को पता होगा कि जेक बोर्ड में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल आते हैं सभी में क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के बच्चों को FLN उत्तर पुस्तिका दिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दिया जाता है जिसमें बुकलेट जैसा रहता है, क्वेश्चन रहेगा, नीचे आपको उसका आंसर लिखना रहेगा, और फिर क्लास 4 से क्लास 8 तक ज्ञान सेतु पुस्तिका दिया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया है, कुछ न्यूज आया है। आज का ही मैं न्यूज आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें बताया गया है कि ये जो ज्ञान सेतु पुस्तिका है या फिर FLN है, ये सभी को नहीं दिया जा रहा है, इसका यूज नहीं हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब स्कूल खुलेगा 2023 में जनवरी में, तब आप लोगों को दिया जाएगा। अगर नहीं मिला है तो, और ऑलरेडी मिल चुका है, तो आपको ये सबको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बस एक बुकलेट रहता है, प्रैक्टिस सेट रहता है, जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन रहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, और आपको इसका आंसर देना होता है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को न्यूज पढ़कर सुना दूं, उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आज है 27 दिसंबर 2022, और 27 दिसंबर 2022 का ही न्यूज आप लोगों को मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, हिंदुस्तान न्यूज पेपर का। तो देखिए, ज्ञान सेतु और FLN की वर्कबुक का नहीं हो रहा इस्तेमाल। देखिए, यहाँ से मैं इसको पढ़ता हूँ। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो झारखंड के सरकारी स्कूलों में ज्ञान सेतु और FLN यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की वर्कबुक का इस्तेमाल स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। इसे स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गंभीरता से लिया है और नाराजगी जताई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिलों को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पहली से तीसरी की छात्र छात्राओं को FLN की कार्य पुस्तिका दी जाती है, जबकि चौथी से आठवीं के बच्चों को ज्ञान सेतु का वर्कबुक किया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है होना चाहिए था आई थिंक। आगे देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से गठित टीमों के स्कूलों के निरीक्षण में यह सामने आया है कि स्कूलों में वर्कबुक तो उपलब्ध है, लेकिन छात्र छात्राओं के बीच बांटकर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कई स्कूलों में यह भी देखने को मिला है कि ये कार्य पुस्तिका बच्चों को सिर्फ स्कूल में ही दी जाती है और फिर उनसे वापस ले ली जाती है। इससे छात्र छात्रा घर पर इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, यह चिंताजनक स्थिति है। JPC की SPD किरण कुमारी पासी ने सभी DO DSE को निर्देश दिया है कि स्कूलों में एक सप्ताह का अभियान चलाते हुए ज्ञान सेतु व FLN की कार्य पुस्तिका का विवरण छात्र छात्राओं के बीच सुनिश्चित कराया जाए। वर्कबुक को छात्र छात्राओं को घर ले जाने की स्वतंत्रता दी जाए। यही है टोटल आज का न्यूज़। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग नाराज, बच्चों को स्कूलों में नहीं दी जा रही पुस्तिकाएं, जनवरी में स्कूल खोलने पर सुनिश्चित करने का निर्देश। जब स्कूल खुलेगा तब अगर आपको ज्ञान सेतु नहीं मिला है तो मिल जाएगा और उसको आपको सोल्व करना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि ज्ञान सेतु जो भी उत्तर पुस्तिका है उससे पूरा सोल्व कर दूं। तो आपने देखा कि जो ज्ञान सेतु पुस्तिका है या प्रैक्टिस सेट है, वर्कबुक है या FLN है, इसका भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है। जिस पर्पज से बनाया गया था ये बस नाम मात्र का रह गया है। तो आप लोग इसे जरूर सोल्व कीजिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से ज्ञान सेतु पूरा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, काफी लोगों को शिकायत होता है मेरे वीडियो से, कुछ लोगों को होता है कि आपका वीडियो से कुछ बच्चे जस्ट छाप देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताता हूं काफी सारी चीज। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है, वो मैं करता हूं और इसे आई थिंक ये बुरा नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताना कोई भी चीज को अच्छा है। तो अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर जैसा भी हो आप मेरा जो इंस्टा है वहां भी आप बता सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होता है तो। बाकी मैं अपना बेस्ट देने का हर समय कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ज्ञान सेतु को भी जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा, जितना जल्दी हो सके जनवरी में अपलोड कर दूंगा। तो यही था अपडेट आप लोगों को, ज्ञान सेतु मिलेगा अगर नहीं मिला है तो, और मिल चुका है तो ज्ञान सेतु को अब सीरियस होकर आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे।